वेलकम टू फिल्म पॉइंट। दोस्तों, काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि अक्टूबर महीने में रिलीज़ होने वाली पंजाबी फिल्मों पर एक वीडियो बनाओ, तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। तो भाइयों, हमने उन सारी फिल्मों को कवर कर लिया है इस वीडियो में जो OTT और थिएटर में रिलीज हो रही हैं अक्टूबर के महीने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना पूरी जानकारी के लिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना के टाइम खराब। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं 1 अक्टूबर से, जहां रिलीज हो रही है शरीक 2, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। और थिएटर के बाद ये फिल्म 1 अक्टूबर को चौपाल टीवी पर देखने को मिल जाएगी। अगली फिल्म है बाबे पंगड़ा पौंदे ने, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे दलजीत दोसांझ, और उनका साथ निभाती नजर आएंगी शरगुन मेहता। और दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देखें और हमें बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। और ये फिल्म दोस्तों 5 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है लंका, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की लीड कास्ट में नजर आ रहे हैं सरदार सूही और सोनिया मान। और ये फिल्म 8 अक्टूबर से OTT प्लेटफॉर्म चौपाल टीवी पर रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है घोड़ा 2.5 कदम, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की लीड कास्ट में नजर आ रहे हैं सिप्पी गिल और सारा गुरपाल। और ये फिल्म 19 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म चौपाल टीवी पर रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है मसांद, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की लीड कास्ट में नजर आ रहे हैं निशवन भुल्लर और रब्बी कंडालो। और ये फिल्म 7 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है तेरे लई, जो कि एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक फिल्म है। फिल्म की लीड कास्ट में नजर आ रहे हैं हरीश वर्मा, श्वेताज बरार। और ये फिल्म 7 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है गोलगप्पे, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म की लीड कास्ट में नजर आ रहे हैं बिन्नू ढिल्लो और बीएन शर्मा। और ये फिल्म भी 7 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है लेजेंड ऑफ मौला जाट, जो कि एक पाकिस्तानी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। और ये फिल्म 13 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है बिल्लो वर्सेस ढिल्लो, जो कि एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म की लीड कास्ट में नजर आ रहे बिन्नू ढिल्लो, युवराज हंस। और ये फिल्म भी 14 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है विच बोलूंगा तेरे, जो कि एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। और फिल्म की लीड कास्ट में नजर आ रहे हैं रविंदर गरेवाल, मुनीला सोदी। और ये फिल्म 14 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है जुबली, जो कि एक ड्रामा फिल्म है। और ये फिल्म आपको चौपाल टीवी पर 15 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगली फिल्म है लॉन्ग लाइची 2। दोस्तों, थिएटर के बाद अब ये फिल्म 25 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म चौपाल टीवी पर देखने को मिल जाएगी। अगली फिल्म है हनीमून, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म की लीड कास्ट में नजर आ रहे हैं गिप्पी गरेवाल, जैस्मीन बसीन। और ये फिल्म 25 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, आपको इन फिल्मों में से किन किन फिल्मों का सबसे ज्यादा इंतजार, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करिए लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।